1, 2, oi, oi. टेस्ट कैसा है? इतना अच्छा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। सो यार कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ, तकरीबन एक हफ्ता तो हो गए। सो आपको पता है बस कुछ मसरूफियात थी, उस वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। सो अभी ज़रा फारग हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाए आप लोगों के लिए। सो इससे तो आप जानते ही होंगे ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं पश्चिम में, हम तो इसे कहते हैं खजाना, शायद उर्दू में भी इसे कहते हैं खजाना। तो इसको मैंने लिया था तकरीबन मैं जब 2 साल का था, और इसे मैं रोज़ाना डालता था कितने रुपए, मैं इसमें डालता था 2 रुपए 5 रुपए। खैर मजाक करो, इसे मैंने लिया था इस बार रमज़ान से तकरीबन 3-4 महीने पहले, और बस रमज़ान से 3-4 दिन पहले इसके हो गए अभी तकरीबन 3 महीने या 3.5 महीने हो गए। और बस इसमें मैंने पैसे सिर्फ रमज़ान में ही डाले थे, और ईद में तकरीबन कुछ पैसे डाले थे बस, छोटी ईद के बाद मैंने इसमें पैसे नहीं डाले। सो 2 महीने हो गए ये तब से खाली पड़ा है, फिर देखेंगे इसके अंदर कितना पैसा है। सो चलिए इसे टूटवाते और देखते हैं कि इसमें कितना कैश मिलता है। ठीक है, आपके ख्याल में इसमें कितना होगा? मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं है यार, इसे 3,000 तक होंगे, 3-4 हज़ार तक है, और हमारे लिए ज़्यादा ही 3-4 हज़ार होंगे, इसे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसको तोड़ते ऐसे अंदर से देख रहे हैं ना, ये क्या दिख रहा है? 100 रुपये का नोट है, दूसरा एक 500 का है। इसको टूटवाते ऐसे, 1, 2 मैंने देखा था कि 3-4 हज़ार तक होंगे ना, अभी देखते हैं इसमें कितने हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ रमज़ान में ही डाले थे कुछ और छोटी ईद में। अच्छा जी, ये ले 1, ये ले 2, और ये ले 3, 3.5 पैसा ही पैसा, ये 4, ओए होए 4.5 माशाल्लाह, 4,600, 4,700, 4,750 यार, ये देख रहे हैं जी 4,750 रुपये हो गए। मैंने तो सोचा था कि 3 या 4 तक इसके बीच में होंगे ना, लेकिन ये तो 4 और 5 के दरमियान तक हो गया। तो अभी इन पैसों पर क्या करें, इन पैसों पर लेंगे एक एप्पल का आईफोन, बर्बरी का टी शर्ट, रोलेक्स की घड़ी और एडिडास के शूज़। तो चले बाजार जाते हैं और इस पर हल्की बुल्की सी शॉपिंग करते हैं ना, देख रही अपने लिए कुछ लेते हैं। ठीक है, वीडियो में तक रहिएगा। ओके, अच्छा दोस्तों, तो अभी खाने खाने मुझे पिक कर लिया है, और ये खुद भी नहीं खाने से आ गए, तो अभी अजान जोड़ बना रहा, तो अभी ज़रा मगरिब की नमाज पढ़ते अजान हो गई है, और फिर उसकी बात तेरा बाजार साइड पर जाके और कुछ थोड़ी हल्की फुल्की शॉपिंग करते हैं, ईद के बाद करते हैं, ईद के बाद जो ईद से पहले करते हैं, हम बस ईद नज़र मसरूफ थे आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो अभी ईद के बाद शॉपिंग कर रहे हैं। सूर लग रहा है हिसाब तो सूट्स हो गए, अभी जा रहे किस खानी चप्पल वगैरह लेने के लिए, सैंडल हो गया चप्पल देखेंगे। हाँ तो सही, जुम्मन की 200 रुपये हुआ थी।
अंजुमन वो थी 4000। मतलब अभी हम किसानी बाजार पहुंच गए और सफरू चाहे कुछ शूज लेते हैं। ये वाला सर दिल पर आ गई सखानी बाजार आए थे और बस चप्पल वगैरह भी डन हो गए। अभी बस कुछ देखते हैं, अगर कोई आइसक्रीम शॉप पर गए या फिर फालूदा खा लिया तो देखते हैं ना। अच्छा सो डिसाइड कर लिया, अब आ गए सलमान पी सके थे। कोडा पहाड़ निकले छुआ तो हमारे हाथ शर्म नहीं आ रहा सुन यार। खबर का जो बर्गर और सर है क्या पता कोई दिन कीजिए लगभग तक से एक तकरीबन 20-25 मिनट इंतज़ार के लिए क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था, तो अभी यहाँ पर जगह मिली और यार ये पीला तो बहुत छोटा है यार डेरे हुआ है ना। हेलो हाँ सफी प्रेगा बशी हमारे प्रेगा से खबर खड़े वहाँ या तो आ गया हमारे सिंगर पर गया है कि और यार ये पीज़ा बहुत ज़्यादा छोटा है डेरा वाला था क्या स्मॉल पीस है लेकिन यार बहुत ज़्यादा छोटे थे। बस ये कि ये पनीर खाना भी हमारे लिए जो है ना स्प्राइट डाल रहे हैं। अच्छा काफ़ी गर्म है यार ठीक है। टेस्ट कैसा है? नॉर्मल है, इतना अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है यार। बस टेस्ट बस गुजारा करते हैं। अकेले कैमरा मैन यार। अच्छा दोस्तों बस वीडियो को एंड करते हैं इसी मोटरसाइकिल पर और बस सलमान पिज़्ज़ा गए थे लेकिन टेस्ट मजा नहीं आया। हाँ बस टेस्ट उतना लाजवाब नहीं था और बस खैर हम तो बस ऐसे ही गए थे शॉपिंग के लिए थोड़ी ईद के बाद की शॉपिंग की और आपके साथ सोचा ब्लॉग भी शेयर किया जाए। आपको सोचा बता दी कि ईद से पहले शॉपिंग ना करें ईद के बाद ही करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी तो ये बताइए कि इस तरह के व्लॉग्स मैं बनाया करूं या नहीं, ठीक है।